मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि इस समय पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मियां छाई हुई हैं और अभी हाल ही में बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी का दामन थामने के बाद से मिथुन चक्रवर्ती को लेकर काफी चर्चाएं की जा रही हैं। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते हैं, जिनका एक दौर था 80 व 90 के दौर में। इन्होंने कई सारी एक्शन से लवरेज फिल्में की हैं और उस दौर में इनकी फिल्मों को लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे। साल भर में इनकी 10 से 12 फिल्में आसानी से रिलीज हो जाया करती थीं और सभी फिल्मों में इनका एक अलग ही अवतार देखने को मिलता ही रहता था। लेकिन भाजपा का दामन थामने के बाद इन्होंने एक बयान दिया था, जिस बयान की लोगों ने खूब निंदा की, साथ ही सोशल मीडिया पर इन्हें ट्रोल भी किया गया। वहीं दूसरी ओर राजनीति में आने के बाद एक बार फिर से मिथुन चक्रवर्ती को लेकर खूब सुर्खियां छाई हुई हैं। मालूम हो तो बताना चाहेंगे, जब बीजेपी का दामन उन्हें थामा तो समर्थकों ने भी खुशी जताई और इसी मौके को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी ही फिल्म का एक संवाद बोला, जो कि बंगाली में था, जिसका हिंदी में मतलब था, मुझे एक हानि रहित सांप समझने की गलती ना करें, मैं कोबरा हूं, लोगों को एक बार में डसकर मार भी सकता हूं। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर मिथुन चक्रवर्ती की खूब किरकिरी की गई और उन्हें जमकर भी ट्रोल किया गया। लेकिन यहाँ हम राजनीतिक चर्चा नहीं करने वाले हैं, आज हम मिथुन चक्रवर्ती और बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो सितारा इनकी अकल ठिकाने लगा चुका है। तो ये कोई और नहीं बल्कि सनी देओल है। जी हाँ, वही सनी देओल जो 2.5 किलो के हाथ से काफी ज्यादा फेमस हुए, वही सनी देओल जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर नलका उखाड़ा, वही सनी देओल जो आज भी राजनीति में ही हैं और एक ही पार्टी में ये दोनों शख्स अब आ चुके हैं। भाजपा का दामन थाम कर सनी देओल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी राजनीति करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने जीत भी हासिल की, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनका पुराना नाता रहा है। 1983 में आई फिल्म बेताब के जरिए सनी देओल ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था और इसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 के दौर में इन्होंने एक से बढ़कर एक एक्शन सेलिब्रेशन फिल्में की और इन फिल्मों को देखने के बाद हर कोई सनी देओल के एक्शन का दीवाना हो गया। लेकिन उस दौर में एक्शन के नाम से एक और अभिनेता पहचाना जाता था, वो थे मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती के एक्शन की भी उस दौर में काफी चर्चाएं की जाती थी और इस बात का मिथुन चक्रवर्ती को घमंड भी था, लेकिन ये घमंड सनी देओल के सामने नहीं चल पाया। और ये दौर था 1990 का। 1990 में राजकुमार संतोषी सनी देओल को लेकर एक बड़ी फिल्म बना रहे थे। फिल्म में सनी देओल के अलावा मीनाक्षी शेषाद्री, राज बब्बर और अमरीश पुरी जैसे बड़े कलाकार थे और ये फिल्म थी घायल। फिल्म बनकर तैयार हो गई और मेकर्स ने सोचा कि क्यों ना इस फिल्म को हम स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज करें, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर कई सारी और भी फिल्में रिलीज होने वाली थी। नतीजन मेकर्स ने सोचा कि हम इस फिल्म को जुलाई के शुरुआती हफ्ते में रिलीज करेंगे और जुलाई के पहले हफ्ते में घायल फिल्म को रिलीज करने का मन बनाया गया। लेकिन उसी दौर में कवल शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म मिथुन चक्रवर्ती की गुनाहों का देवता भी रिलीज होने वाली थी। पहले मेकर्स ने मिथुन चक्रवर्ती के डायरेक्टर कवल शर्मा से बातचीत की और रिलीज डेट में फेरबदल करने का न्योता दिया, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी फिल्म जुलाई के पहले हफ्ते ही रिलीज करवाऊंगा और वो अपनी बात पर अड़े रहे। मेकर्स के सामने एक बड़ी मुश्किल साबित हुई और घायल फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी ने सोचा कि क्यों ना मैं इस जून के महीने में ही रिलीज कर दूं। इसके बारे में फिल्म के कास्ट एंड क्रू मेंबर से बातचीत भी की गई और सबने हामी भर दी कि हम इस फिल्म को जुलाई की बजाय जून में ही रिलीज करेंगे और फिल्म को 22 जून 1990 को रिलीज किया गया। नतीजा आपके सामने रहा, घायल फिल्म को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और ये उस दौर की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक साबित हो रही। वहीं दूसरी ओर मिथुन चक्रवर्ती जो अपने घमंड के कारण मेकर्स को बहुत ज्यादा नुकसान करा बैठे और उनकी फिल्म फ्लॉप साबित हुई। घायल फिल्म की बात करें तो आज भी इस फिल्म को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और जब भी इस फिल्म को देखने का मौका मिलता है तो बड़े चाव से सनी देओल के एक्शन और डायलॉगबाजी को सुनते व देखते भी हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर मिथुन चक्रवर्ती की यह फिल्म निस्तो नाबूद हो चुकी है। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि सनी देओल के वर्चस्व को देखते हुए आने वाले समय में निर्माता और निर्देशकों की लाइनें लगी रहती थी और वो अपनी हर एक फिल्म में सनी देओल को ही कास्ट करवाना चाहते थे। धीरे धीरे सनी देओल ने 90s के दौर में काफी लोकप्रिय बन गए और उस समय के वो बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाने गए। वहीं दूसरी ओर मिथुन चक्रवर्ती का सितारा ढलने लगा। आज के अगर दौर की बात करें तो दोनों एक ही पार्टी में हैं और भाजपा का दामन थाम कर दोनों पार्टी के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, साथ ही सनी देओल मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ा यह दिलचस्प किस्सा आपको कैसा लगा, साथ ही बंगाल चुनाव में मिथुन चक्रवर्ती के उतरने को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।